नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अगर आम आदमी पार्टी की बात करी जाए और उपराज्यपाल की बात करी जाए जो दिल्ली के हैं, उनके बीच सियासी तनातनी जारी है। दरअसल दिल्ली में अगर बात करी जाए तो आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई थी तब ये ऐलान किया गया था कि बिजली की दरों में सब्सिडी दी जाएगी और 50% तक ये सब्सिडी दी जाती है। लेकिन आपकी अगर बात करी जाए, आम आदमी पार्टी की बात करी जाए, तो उपराज्यपाल के पास एक बार फिर से बजट सत्र के बाद एक फाइल भेजी गई थी जिसमें सहमति जो है वो जरूरी होती है। और आतिशी जो दिल्ली की ऊर्जा मंत्री हैं वो ये दरअसल कह रही हैं कि उपराज्यपाल ने इस फाइल को लेकर जो है वो कोई जवाब नहीं दिया, और यही वजह है कि दिल्ली के लोगों को अब जो सब्सिडी मिलती थी वो नहीं मिल पाएगी। 84 के दंगों के परिवार जो हैं उनका भी इसमें जिक्र किया, उन्होंने कहा कि इन लोगों को भी ये सब्सिडी दी जाती थी लेकिन अब नहीं मिल पाएगी। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी जो है वो इसका ठीकरा बीजेपी पर, उपराज्यपाल पर फोड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन उपराज्यपाल जो विनय कुमार हैं उनका ये कहना है कि देखिए, मैंने तो शाम को ही इस फाइल पर सहमति जता दी थी, क्लियरेंस दे दिया था, और जो आम आदमी पार्टी अब इस पर राजनीति कर रही है, अगर उसे सब्सिडी देनी थी मैंने तो फाइल जो है वो क्लियर कर दी थी। अब ये जो ड्रामा लगातार चल रहा है दिल्ली में, अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो उपराज्यपाल के ऊपर ये आरोप लगा दिया जाता है कि देखिए वो क्लियरेंस नहीं दे रहे, वो रुकावट डाल रहे हैं, और इसको लेकर कई बार तो कागज भी आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखा दिए जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली की जनता का भला करने के लिए जो सरकारें बैठी थी, हालांकि केंद्र की सरकार है वो बीजेपी की है, राज्य की सरकार आम आदमी पार्टी की है, और दिल्ली देश की राजधानी है, और राजधानी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में आती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जहां पर केंद्र और राज्य के बीच सहमति नहीं बन पाती, और आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार ऐसे कई कदम उठाती है जिससे दिल्ली की जनता को जो है वो बड़ा फायदा हो सकता है। तो क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि एक तरफ गोवा की अगर बात करी जाए तो वहां की जो पुलिस है उसने समन भेजा है, कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहती है पुलिस। ये जो आबकारी विभाग वाला घोटाला किया गया था मनीष सिसोदिया की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से, उससे जुड़ा हुआ एक समन आया है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देखिए मैं जरूर आऊंगा। मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में है, और अगर अरविंद केजरीवाल को भी हिरासत में ले लिया जाता है तो यहाँ पर बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। हालांकि आतिशी से लेकर सौरभ भारद्वाज तक यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से चुनाव से पहले एक षड्यंत्र आम आदमी पार्टी के खिलाफ रच रही है, इसका फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। दिल्ली की अगर बात करी जाए तो बीजेपी पहले अगर देखा जाए विधानसभा वाली चीज को, तो इससे तो पहले ही साफ हो चुकी है क्योंकि कांग्रेस थी, कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी आती है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि एमसीडी के चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता। पहले कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि जिसको बहुमत मिला है वही अपना मेयर बनाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता के बाद ही मेयर डिसाइड किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच में जो तनातनी जारी है वो इसी तरीके से जारी रहेगी? और जनता की अगर बात करी जाए तो फिलहाल किसी को उसके लाभ की, उनके हितों की परवाह नहीं है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। धन्यवाद।